नाज़रीन आदाब, मैं डॉक्टर नसीम बज़्मे उर्दू की इस महफिल में दूरदर्शन की जानिब से दिल की अमिकतरीन गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज की ये महफिल गज़ल के नाम है। गज़ल उर्दू की सबसे मशहूर मकबूल सिन्फ सकन है। इसमें हुस्न इश्क के अलावा सियासी, समाजी, माशी हर तरह के मसाइल पेश किए जाते हैं। खास तौर पर इश्क आशिकी से गज़ल मंसूब की जाती है, इसीलिए शायर इश्क, मोहब्बत, प्यार, हिजर विसाल के जज्बे को बखूबी इसमें पेश करता आया है। गज़ल का ताल्लुक मौसिकी और तरन्नुम से भी गहरा ताल्लुक रहा है। आज की इस महफिल में हमारे साथ श्रीदेवी भंडारकर मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक बीजापुर से है और फिल वक्त ये कनरा बैंक बेंगलुरु में मुलाजिमत कर रही हैं। उन्होंने हजार हा लोगों को अपनी दिलकश और खूबसूरत आवाज से महजूज किया है, या यूं कहें कि अपनी काबिलियत का लोहा इन्होंने मनवाया है। तो आइए चंद मखसूस गजलों को इनकी खूबसूरत आवाज में सुनते हैं और महजूज होते हैं। इनकी सबसे पहले गजल के बोल हैं, कितना प्यारा सफर हमारा है साथ जब हम सफर हमारा है।
भरे जहां में कोई मेरा यार था ही नहीं, किसी नजर को मेरा इंतजार था ही नहीं।
गजल के बोल कुछ यूं हैं। नियते शौक भर न जाए कहीं, तू दिल से उतर न जाए कहीं। शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू ही दिल से उतर
नाजरीन, आप श्रीदेवी भंडारकर को सुन रहे थे। गालबन वो उनकी खूबसूरत और दिलकश आवाज से आप लोग महसूस हो रहे थे। उम्मीद करती हूँ आप इसे महसूस हुए होंगे।